हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, या तो आप अपने वीडियो को यूट्यूब एप्लीकेशन से अपलोड करें या फिर आप क्रोम ब्राउजर में जाकर के डेस्कटॉप साइड मोड का यूज करके अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहां पर आपको दो नए फीचर देखने के लिए मिलते होंगे जब आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आपकी वीडियो की अपलोडिंग चल जाती है तो वहां पर आपको दो नए ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला तो यहां पर होगा फ्रेंड्स, यस इट्स मेड फॉर किड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर सेकंड फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा जो ऑप्शन है, यहां पर लिखा होगा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये जो दो नए ऑप्शन है, यस इट्स मेड फॉर किड्स और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स के लिए, ये यहां पर बच्चों के लिए कोबा पॉलिसी यूट्यूब ने यहां पर लागू की थी, उसके इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी थी। यदि आपको पूरी जानकारी इसमें चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, यहाँ पर आपको YouTube चैनल सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसमें जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर ये पॉलिसी थी क्या। अब फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ तो वो मैं ये बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, YouTube जो भी अपडेट लेकर आता है, जो भी फीचर देता है, उसे आपको यूज करना होता है, ज्यादातर आपको यूज ही करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दो नए फीचर YouTube ने ऐड किए थे, यहाँ पर ये आपको यूज करने होते हैं अपनी वीडियो के अनुसार। फ्रेंड्स देखिए, यदि आप इन्हें वीडियो के हिसाब से सेट नहीं करेंगे, वीडियो के हिसाब से आप इन पर क्लिक नहीं करेंगे, तो आपको कहीं ना कुछ हानि हो सकती है। या तो आपकी वीडियो जो है वो मोनेटाइज हो जाए, तो इन पर ऐड ना आए, या फिर येलो डॉलर मिल जाए, या फिर रेड डॉलर मिल जाए, या फिर अन्य कोई भी प्रॉब्लम आपके चैनल पर आ सकती है। तो इसीलिए आपको इन दोनों फीचर में से अपनी वीडियो के हिसाब से एक को सिलेक्ट करना होता है। अब फ्रेंड्स आपको किस तरह के वीडियो पर कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को फिनिश तक देखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें और समझने के बाद आप इन फीचर्स का यूज कर सके। तो फ्रेंड्स इन्हें समझने के लिए आपको क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखना ही देखना है, और साथ ही आपको एक छोटा सा काम और करना है। आप जो ये वीडियो देख पा रहे होगा, आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख पा रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बाजू में घंटे का चिन्ह बेल आइकन दिख जाएगा, आपको उस पर भी क्लिक करना है, और साथ ही आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर देना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कौन से ऑप्शन का यूज आपको किस तरह के वीडियोस पर करना है। देखिए, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी कि आपने जो भी कंटेंट बनाया है, अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स यहां पर देखिए, आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स कब सिलेक्ट करना है। यदि आपका ऐसा वीडियो है जो कि आपने बच्चों के लिए बनाया है, आपने माने कार्टून वगैरह का वीडियो बनाया है, या फिर आपने टॉयज यानी खिलौना वगैरह होते हैं उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर दिखाई है, या फिर आपका ऐसा कंटेंट है जिसमें जो रोल है वो ज्यादातर किसी छोटे बच्चे ने, यानी कि अंडर एज वाले, यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे ने रोल को प्ले किया है, तब फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो पर यस इट्स मेड फॉर किड्स पर सिलेक्ट करना है। और देखिए उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। देखिए अब यहाँ पर यदि आप ऐसे वीडियोस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं टेक का बना रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं बनाता हूँ, या फिर आप टूर एंड ट्रेवलिंग की बना रहे हो, बच्चों के लिए नहीं बनाते हो, कुल मिलाकर के यहाँ पर बात है, आपने कोई वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाया है, आपने 18 प्लस एज वालों के लिए बनाया है, तो आप उस पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट करना, तब वीडियो को अपलोड करना, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि फ्रेंड्स आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं और उस पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट कर देते हैं, तो कभी ना कभी YouTube आपकी वीडियो को जरूर पकड़ लेगा। आप ये ना समझे कि YouTube नहीं पकड़ेगा, जैसे YouTube आपकी वीडियो को पकड़ लेगा, और आपने ज्यादातर वीडियो पर यही गलती कर रखी होगी, तो यहाँ पर YouTube आपको पनिशमेंट दे सकता है। फ्रेंड्स पनिशमेंट के रूप में मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो वीडियो मोनेटाइज हो उसे डिमोनेटाइज कर दे, या फिर ज्यादा गलती की वजह से आपके चैनल को ही डिमोनेटाइज कर दे, या फिर आपकी वीडियो पर येलो डॉलर दे दे, गिने चुने ऐड आने लगे, आपकी वीडियो की अर्निंग को भी बंद कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको जिस तरह का वीडियो है ठीक उसी तरह के वीडियो के लिए इन दोनों ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरह का आपका कंटेंट है। यदि आपका बच्चों के लिए है तो यस इट्स मेड फॉर किड्स, और यदि आपका बच्चों के लिए वीडियो नहीं है तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यही थे दो ऑप्शन जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।